इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेहुल चौकसी पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मेहुल चौकसी के बोट की तस्वीर सामने आई है और इसी बोट से चौकसी एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है। बोट पर चौकसी के साथ भारतीय मूल के दो पैसेंजर्स नजर आ रहे हैं। इस बोट का नाम कैलियोप ऑफ द अर्न है और इसे आपको बता दें कैरिबियन देश में ही इसका रजिस्ट्रेशन है और यह सेंट लूसिया से अलग अलग जगहों पर यह जाता है और बताया जा रहा है कि इसी बोट से एंटीगुआ से मेहुल चौकसी सवार होकर इस बोट के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। परिवार की ओर से भी कहा गया है कि ये वो बोट है जिस बोट के जरिए वो एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा था। हालांकि इस बोट पर ऐसा नहीं है कि मेहुल चौकसी सिर्फ थे, उनके साथ उनकी महिला गर्लफ्रेंड भी थी और साथ ही साथ इसमें कुछ और भारतीय मूल के लोग भी सवार थे, लेकिन कौन वो लोग थे इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। लेकिन फिलहाल वो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो बोट है, इस बोट के जरिए मेहुल चौकसी एंटीगुआ से पहुंचा था डोमिनिका। इस बोट को आपको बता दें कि एक ट्रैवल एंड टूर कंपनी से ऑपरेट करती है और बकायदा उनसे बात करके रेंट पे लिया जाता है तब इस पे कोई सवारी कर सकता है। यानी कि मेहुल चौकसी को अगर इसमें जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि किडनैप किया गया होगा तो फिर इसमें बाकी लोग कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई किसी को किडनैप करके एक ऐसे बोट पर ले जाए जिसे एक टूरिस्ट कंपनी यानी टूरिज्म कंपनी टूर कंपनी ऑपरेट करती है? फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो बोट है जिसमें, और हमारे साथ विजय अग्रवाल जुड़ गए हैं मेहुल चौकसी के वकील। विजय जी, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जिस बोट का जिक्र किया गया है, क्या ये वही बोट है जिसके जरिए आप लोग दावा कर रहे हैं मेहुल चौकसी को एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया? मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि ये वही बोट है, मगर जो डिस्क्रिप्शन मुझे बताई गई है उसी तरह की ये बोट लग रही है और वही लोग लग रहे हैं, क्योंकि ये काफी चैनल्स ने रिसर्च की है, तो जो भी बात है मैं उस चैनल्स की रिसर्च के बेस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो मेरे क्लाइंट साहब हैं वो डोमिनिका में है, मेरी फेस टू फेस तो बात हो नहीं पाई है उनसे। अच्छा, आपकी जो फोन पर उनके परिवार से बात हुई होगी, उन्होंने क्या कहा? जी यही कि बोट पे ले जाया गया था और इसी तरह के दो लोग थे, पूरी की पूरी जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है उसके बाद आपके चैनल ने और कई चैनल्स ने रिसर्च करके ये सारी की सारी चीजें निकाली हैं, तो मुझे ये बात सही लग रही है, मगर मैं सामने बैठ के अपने क्लाइंट से वर्ड बाय वर्ड सारी चीजें दिखा के मैंने टैली नहीं की। जी विजय जी, देखिए आप तो मेहुल जी के वकील हैं तो इसलिए बहुत सारी बातें हो सकता है आप ना रखें हमारे सामने, लेकिन जो दर्शक है वो तो आपको देख रहे हैं, उनको जरा समझाइए कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी को किडनैप करके एक ऐसे बोट में ले जाए जिसमें दूसरे पैसेंजर्स भी सवार हो? आपको ये किसने कहा कि दूसरे पैसेंजर सवार हैं इसके अंदर? पहली बात तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, पर एक और मैं बात बताता हूं ब्रदर, फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कोई फिक्शन में या हम सोच में भी कई बार ऐसी बात नहीं सोच सकते हैं जो कि यथार्थ जिंदगी में हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, पूरा लेडी का डिटेल दी गई है, पूरा बताया गया है कि किस लोकेशन से उनको किडनैप किया गया, पूरा बताया गया कि ऐसे बोट में ले जाया गया, लोगों ने उसकी बोट की एंट्री निकाल ली है, तो उसके अंदर जो उस बोट के क्रू मेंबर्स थे वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहे होंगे, और उसके बाद उनको एक छोटी बोट में भी शिफ्ट कर दिया गया था। तो जब दूसरी बोट में शिफ्ट कर दिया गया इस वाली बोट से, इसीलिए कुछ लोगों ने ये सवाल उठाए कि जब इस बोट की एंट्री हुई डोमिनिका में तो उसमें मिस्टर मेहुल चौकसी का नाम नहीं था, तो उनको वहां पे इस बोट की ऑफिशियल एंट्री हुई इससे पहले दूसरी बोट में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये बात है, तो इसमें होना बताएं कि पॉसिबल क्यों नहीं है, और ये तो क्लियर ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर वो खुद से गए होते तो अपना पासपोर्ट जेब में डाल के लेके गए होते, अपने घर छोड़ के नहीं गए होते, नंबर वन। नंबर टू, उनके चेहरे पे बदन पे इतनी घातक चोटों के निशान कैसे आते, उनके चेहरे पे निशान कैसे आते? कोई आदमी अपनी आंख तो खुद नहीं फोड़ लेगा कोई लीगल शील्ड क्रिएट करने के लिए। फिर जो उससे भी बड़ी बात है कि फिर उनके घर से निकल, जैसे ही वो घर वापस नहीं आए तो फैमिली इतना शोर क्यों मचाती, फैमिली कंप्लेंट क्यों लॉज करती कि एंटीगुआ को उनके लिए येलो नोटिस सारी कैरेबियन कंट्रीज को इशू करना पड़ जाए और इसी प्रेशर की वजह से ये पकड़े जा ये बरामद हो सके। नहीं तो मैं बताता हूं, अगर इन्होंने ये मिसिंग कंप्लेंट लॉज नहीं की होती, पूरा मैं तो मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि पूरी मीडिया में ये चलना शुरू हो गया फोटोग्राफ्स के साथ, इसलिए डोमिनिका को जब चाहे वो मिल गए थे उनको संडे मंडे को ही और उन्होंने थर्सडे फ्राइडे को बताया, तो उनको प्रेशर में बताना पड़ा और भारत का प्लेन वहां जाने में जो एजेंसीज का जो भी प्लेन था वहां जाने में लेट हो गया, तो इस वजह से। नहीं तो जब कि भाई इस तरह का हो गया है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय पराशर भी जुड़ गए हैं। अभय, आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं विजय अग्रवाल जी से।
देखिए बिल्कुल विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बोट की तस्वीरें हालांकि निकलकर सामने आई हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सारी बात है, लेकिन जो कस्टम की जो लिस्ट है जिसके अंदर जो पैसेंजर्स के नाम लिखे हुए हैं, दो इंडियंस भी उसके अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं मेहुल चौकसी का नाम नहीं है, तो इस कस्टम लिस्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, या आपकी अभी तक डोमिनिका की पुलिस से कोई इस बोट को लेकर कोई बात हो पाई हो, कोई क्लैरिटी अब तक मिल पाई हो? जी, डोमिनिका की पुलिस तो कुछ बता रही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा, मगर आपने शायद एक मिनट लेट ज्वाइन किया है अभय जी, इस बात का मैं जवाब दे चुका। ले जाया गया इस बोट में, वहां पर पहले उनको दूसरी स्मॉलर बोट में शिफ्ट कर दिया गया था। ये पहले दिन से ये वाली बात कही जा रही है कि इसी बोट में, क्योंकि इस बोट की तो एंट्री होनी थी वहां पे, इस बोट की एंट्री नहीं की, तो क्योंकि इस बोट के तो जो सारे पैसेंजर्स थे जब वहां हुआ, तो उनको सबकी वहां पे रिकॉर्ड्स में एंट्री होनी थी इमिग्रेशन में, और इनको जितने भी लोग हैं इनको मैंडेटरी क्वारंटीन किया गया होगा उस टाइम पे, तो उससे पहले इनको छोटी बोट में शिफ्ट कर दिया गया है। और मेरे क्लाइंट का कहना है कि वहां पे कोस्ट गार्ड भी थी, क्योंकि ये सब मिली भगत से ऑपरेशन हो रहा था मेरे क्लाइंट के खिलाफ। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, विजय जी ठीक है, आप पूछिए। विजय जी, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके अंदर इसी बात को लेकर जो बेल है वो खारिज हुई है, जिसके अंदर एक केस चल रहा है कि इलीगल तरीके से पकड़े गए डोमिनिका से पकड़े गए मेहुल चौकसी, उसको लेकर आप लोगों की क्या दलीलें हैं? क्योंकि डोमिनिका की पुलिस तो यही बार बार ये बात कह रही है कि इलीगल तरीके से यहां पर पकड़े गए, वो यहां पर डिनर के लिए आए हुए थे, एंटीगुआ के पीएम भी ये बात कह चुके हैं कि वो अपनी एक महिला मित्र के साथ वहां पर पहुंचे थे, तो कोर्ट के अंदर जो आप लोगों ने दलीलें दी उसमें ये, अगर हम बोट की बात करें या फिर जो कस्टम की लिस्ट थी, ये सारी चीजें आपने रखी हैं, फिर बेल वहां पर किस बिहाव पर रिजेक्ट हुई है? भाई लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कभी भी दो अपोनेंट पार्टीज होती हैं तो वो अपनी अपनी बात रखती हैं, तो हमने अपना स्टैंड रखा है, तो दूसरी बात उनकी बात हम नहीं सच मान लेंगे, हमारी बात वो सच नहीं मान लेंगे, फैसला कोर्ट करेगी। मगर जो बेल की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है वो इस पे नहीं होती कि हमारा फैसला हो गया, फैसला तो पूरा ट्रायल में होगा। आप बताएं 2G केस में लोगों की एक एक साल तक बेल नहीं हुई, उसके बाद जाके वो सारे के सारे बरी हो गए। जो ये आयुषी कांड था उसमें तो पूरा ट्रायल चल गया कस्टडी के अंदर, बरी होके सीधे लोग जेल से बाहर आए। तो बेल होना एक अलग चीज होती है, उसकी अलग कंसिडरेशन होती है, और किसकी बात को और तथ्यों को कोर्ट मान रही है ये चीज अलग होती है, तथ्यों को एग्जामिन किया जाता है। शायद विजय जी हमें कुछ और वक्त इंतजार करना हो, क्योंकि शायद अगली जब सुनवाई होगी तो और विस्तार से समझ में आएगा कि केस में क्या क्या चीजें हैं। आप भी अपनी दलीलें रखेंगे, दूसरे पक्ष भी दलीलें रखी जाएंगी, तो शायद ये जो पूरा का पूरा मामला है और खुलकर सामने आएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी विजय जी और भाई आपका भी। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद पूरी डिटेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।